Abby? Hi. 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 हाँ अभी हम बड़े और ऑर्डर आ रहे हैं तो ये इनको ये पसंद नहीं आया लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका क्या जाता है इधर खाली है भी एसी चल रहा है। हाँ हम आवाम गर्मी में मर रही है और ये खंबा एसी में खराब है फजूल में चलिए लबो गाइस हम लोग इधर बैठ गए अब हम लोगों ने एथो नहीं एसी ही लेना जो तुम्हारी काली है ना वो मुझे ले डूबती है। मोटर बंद कर देते हैं इधर से और ये यहाँ से हम खोलेंगे कुंडा गरीबों वाला में। अभी हम जा रहे हैं बैठ सुबह के बज रहे हैं 6 मेरा गरीब खाना किचन दिखाओ ने यार ये इन्होंने बनाया न्यू किचन इतने दरवाजे खोलने पड़ते हैं तब जाके थल्ले उतरा जाता है वरना थल्ले नहीं उतर सकता कोई भी घर से। गली में आपको गंद भी दिखाती हूँ आज सैटरडे का गंद अभी कूड़े वाला नहीं आया कूड़े वाला नहीं आया नहीं पता नहीं ये गंद
हाँ नजर आ रहा हूँ। तो अभी जो है वो गली में कूड़े वाला नहीं आया और मैं और अमरीना भी जा रहे हैं हम लोग भज्जे के पाए खाने, मतलब नाश्ता करने। और सुबह के बज रहे हैं 6 और आज मौसम अच्छा है, रात की हवा चल रही। जब जूते में चला जाए गंद तब ज़्यादा डर लगता है, कोई कीड़ा तो नहीं चला गया। मेरे पेट में दो रहे हैं चूहे, गर इधर हमने जाना है। हाँ इधर, इधर हाँ इधर, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये मैंने अपने बचपन के पॉप्स लिए हैं, उनका नाम है गोलगप्पे। मेरा आज का कुछ भी नहीं खाया हुआ, भी कुछ लगा हुआ, पता नहीं यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, आई डोंट नो। बट हम लोग यहाँ रिक्शे में बैठ गए। गाइस ये देखते हैं हम लोग भज्जे पाए वाले के पास आए हैं और इनकी सीटिंग काफ़ी अच्छी है यहाँ पे और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, कि मेरी तो आपकी पटेल बहुत एक्सपेंसिव है गाइस, गाइस मत आना गाइस मैं तो पछता नहीं, अगर अच्छा हुआ तो आप आए, नहीं मेरी बात नहीं, खाने वाले खा सकते हैं तो अगर अच्छा है तो हम आपको बताएंगे, आप ज़रूर यहाँ पे आना, हम आपको रेकमेंड करेंगे क्योंकि खा सकते हैं लोग। फैमिलीज़ के लिए ये बहुत अच्छी डील है, हम लोग दो हैं इसलिए हमें ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये डील फैमिलीज़ के लिए गुड है, परफेक्ट है। तो गाइस इन्होंने एक हमारे पास ये चाबी रखी है, ठीक है, और हमें ये दो पानी की बोतलें सर्व की गई हैं। और जब हम लोग यहाँ पे एंटर हुए तो देखने वालों की नज़र बहुत गंदी थी क्योंकि हम लोग डायमंड मंडी आए हुए हैं गाइस, हम लोग कभी इधर नहीं आए, हम लोग कभी यहाँ पे आए हैं। तो डायमंड मंडी हम लोग पहली बार आए हैं और दोनों सिर्फ अकेले ही आए हैं और इनके यहाँ पे इसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है और इसके अलावा इनके पास कोई और मेन्यू नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे मतलब बकरे के पाए यहाँ पे अवेलेबल है, मगज और ज़ुबान भी कह रहे थे है, लेकिन मेरी ज़ुबान बकरे की हर चीज़ है, हाँ बकरे की है, पूरी बॉडी मौजूद है सिर्फ खाल के अलावा, गोश्त के अलावा, गोश्त और खाल, सीरी पाए और ज़ुबान मगज हर चीज़, दिमाग उसकी, दिमाग नहीं खाल नहीं भाई। हमने गूगल पे सर्च किया था कि इसकी यहाँ पे इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है, क्या है इसकी कोई ब्रांच नहीं है, हमने गूगल पे सर्च किया, इतनी ज़्यादा आ गई थी, ये सामने इनका भाई था वो बहुत हो गया, वो उठे के मेरे, तो इसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं है इनकी, तो इसका मतलब वो फेक है साड़ी, जो गूगल पे है ना वो साड़ी फेक है। तो गाइस ये हमारे आ गए हैं पाए, ये इतने से पाए 2000 देखे हैं, 2000 के देखिए तो सोना थे और ये है हमारा मगज, चलो खाते हैं 2000 रुपये का मगज, तेरी बड़ी ना मेरा दिल मुझे नहीं पता मैं इनको कैसे पकड़ूँ, ये तो ठंडे हैं, हैं? नहीं नहीं उन्होंने कहा है कि हमारे जैसा टेस्ट किसी के पास नहीं है, थोड़ा मास्क नीचे कर लेना, अब शुरू करो। वो भी ट्राई करके बताओ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी करो। ये मगज है इसका, वीडियो बनाओ ना, बन रही है बाजी, ये देखो ये है डायमंड मंडी का वो कोठा, ये यहाँ पे एक ही ब्रांच है, बाकी सारी फेक है। हाँ जी भज्जे का, भज्जे की एक ही ब्रांच है गाइस, ये भी इनकी ब्रांच है, ठीक है भज्जे पाएगी, थोड़ा सा आगे आ गया।
और ये इनके भाई हैं जो कह रहे हैं वो बात पा गए हैं, तो इनके लिए दूसरी एक शॉप है बस। गाइस हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए इतना बढ़ाना हैवी नाश्ता करके इतना महंगा, मैं तो हैरान हो गई। बाद मुझे याद आया अगर हम बाजार में 2000 रुपये का नाश्ता हमने कर लिया आज पहली बार, सिर्फ 2 कुलचे थे और साथ में 1 शोरबे की प्लेट और 2 पाए। मुझे याद आया बाजार में पाया इतने का ही मिलता है। और मैं आपको बता रही थी कि क्या के भान एटीएम हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। खुलता है कि नहीं? तो ये रही वो मशीन जो एसी में खरीद रखती है हर वक्त, और हम लोग भाई गर्मी में मरते हैं। फिर गणी गणी गाइस हमें साथ जड़ गया भज्जे के बाय खा के, मैं से चला ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ। हाय एक्सपेंसिव नाश्ता कर लिया यार, चलने से भी बेजार सांस चढ़ रहा, इतना शोरबा गाढ़ा था हमारा, इतना गाढ़ी ग्रेवी थी उसकी, मतलब क्या बोले पकाओ। इससे अच्छा तो मैं ब्रेड खा लेती घर पे, पका के बहुत भूख पकाया पका के गाढ़ा किया हुआ था उसको हमने खाया, तो हम चला ही नहीं जा रहा। चले गाइस इधर से। ये क्या कर रही हो? खाओ 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 तुसी भी खाओ। गाइस 2000 का नाश्ता करने के बाद फिर भूख लग गई। सो गाइस आज अमरीना ने बनाए हैं भिंडी के साथ भिंडी प्याज और साथ में रोटी, साथ में है रोटी। किधर है रोटी? ये है तो ये है भिंडी प्याज और साथ में रोटी। चले खाने के बाद मिलते हैं आप। हेलो एवरीवन, आई होप सो आपको ये सारा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें काफ़ी कुछ था। और एक बात मुझे आप सबसे करनी थी वो ये थी, मतलब एक नहीं दो बातें करनी है, तो आपने ज़रा तफसील से मेरी बात सुनी है, इतना सा वक्त आपने मुझे अपना देना है। तो पहली बात मुझे ये क्लियर करनी थी आप सबके साथ कि आप लोग मतलब जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, उनके दिल में ये सवाल होगा, आपके भी होगा, आपके भी होगा, मतलब जो भी देख रहा है ना इस टाइम मेरी वीडियो, तो उन सबके दिल में यही सवाल होगा कि मैंने वीडियो बनाई फुरकान के साथ बनाई। फुरकान सबसे पहले तो मेरा कज़न है, कई लोगों को पता है कई लोगों को नहीं पता, जो लोग नहीं जानते उनको नहीं पता, उनको बता रही हूँ, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वो मेरा कज़न है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पर एक काम, इंस्टाग्राम पे मुझे एक वर्क मिला था जिसमें मुझे एक वॉइस की ज़रूरत थी, लेकिन मैं अगर गैर लड़के के साथ बनाती तो मुझे ये चीज़ मुनासिब नहीं लग रही थी, तो वो मेरा कज़न था, मैंने सोचा चलो मैं उसके साथ बना लेती हूँ, मेरा काम भी हो जाएगा जो मुझे मिला था, ठीक है। तो मैंने सिर्फ अपना काम किया है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है हमारे बीच में, हम लोग बहन भाई हैं, आप हमें कपल के तौर पर मत लें, ठीक है। वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी और के साथ करता है, मैं खुद किसी और के साथ हूँ, तो ब्राय मेहर बल्कि थी, अब तो मेरे वाला है नहीं, उसकी वाली चलो है भी, लेकिन हम लोग कपल नहीं हैं, ठीक है, हम लोग कपल नहीं हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी उसकी, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो साथ में उसका व्लॉग भी बन गया, और ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने जहन में गलत माइंड में बातें ना लेके आएँ कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, मेरा काम है, ठीक है, मैं अपना काम कर रही हूँ और मुझे अपना काम करते रहना है। बाकी आप लोग अपने जहन में से ये सोच निकाल दें, ठीक है। और दूसरी बात अब करने लगी हूँ, ये पहली बात थी, दूसरी बात ये है कि हम लोग यूट्यूब को थोड़ी देर के लिए करने लगे हैं स्टॉप, थ्री फोर मंथ तक हम लोग यूट्यूब को स्टॉप करने लगे हैं। हम लोग इस पर वर्क नहीं करेंगे, कोई भी लोग नहीं आएगा, हम लोग 3-4 महीने के लिए स्टे चाह रहे हैं और यूट्यूब को भी स्टे देंगे।
और 3-4 मंथ मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं करना। लेकिन ये नहीं कि मैंने अब यूट्यूब छोड़ देना, ये बात नहीं है। मैं यूट्यूब पे वर्क करूँगी, लेकिन मुझे अब थोड़ा सा चाहिए है स्टे, ठीक है। और ये नहीं कि छोड़ रही हूँ, डालूँगी व्लॉग। आपने चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं करना, आपने चैनल को सब्सक्राइब ही रखना है। आपको व्लॉग मिलेगा, लेकिन इस व्लॉग के बाद थोड़ा व्लॉग लेट आएगा। बाकी अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।